गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो आप आज नेक्स्ट सेशन करेंगे 10th क्लास का. सेशन नंबर 4 नाम है प्लानिंग एंड आउटिंग. बाहर को मंजाम दे योजना बनाना. तो आउटिंग तो तुम की समझते हो? आउटिंग का मतलब की है? देखो जो आप कित बाहर घूमन जाने जिमें पिकनिक ते फिल्म देखना, ठीक है, पिकनिक ते जाना हो गया, फिल्म हो गया, जा कोई दोपहर या रात के खाने ते जाना, जा शॉपिंग ते जाना, इन सारी चीज़ों आप कहने आउटिंग. यह जी बाहर जाने की योजना में कुछ तैयारी की लोड़ होती है और तैयारी बाहर जाने की रुचि उत्ते निर्भर करती है. ठीक है, तो आउटिंग का मतलब की है जो आप कि बाहर घूम जाते हैं. हूँ आउटिंग आप क्यों करते हैं? देखो जो आप डेली रूटीन तो आके आने, जिमें तुम डेली डेली स्कूल जाके आके आने, असं भी डेली डेली स्कूल आके आके आने, तो अपन कद रैसट की लड़ होती, अपना माइंड फ्रैश करना होना. तो जो आप अपने माइंड में फ्रैश करना चाहते हैं उस टाइम आप आउटिंग करते हैं. ठीक है, तो अगर थोड़ा क्वेश्चन आता पेपर से आउटिंग तो क्यों भाव है, तो तुम इतने लेके अपना एक तरीके की डेफिनेशन दे सकते हो आउटिंग. ठीक है, अगर जो आप आउटिंग बारे गल करते हैं तो कुछ वो सुजैशनस होंगे ने. ठीक है, आप कल तो गल नहीं करा, किसी जिन्हें परसन नाल जाना वो गल करा, जा फ्रेंड्स नाल करा, तो सुजैशनस की होंगे ज किस तरह के वाक आप यूज करते हैं आउटिंग लिए. जिमें फर्स्ट हैगा लैट्स गो फॉर एन आउटिंग. ठीक है, लैट्स गो फॉर अ पिकनिक, लैट्स गो टू द मूवी, लैट्स गो आउट फॉर लंच, एंड लैट्स गो शॉपिंग एंड हैव लंच आउटसाइड, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी. तो इस तरह के असी वाक इस यूज करते हैं जो असी आउटिंग ते जाना होंगे गा. उस तो बाद जो आउटिंग लिए असी ये वाक यूज करते हैं, फिर नैक्सट चीज़ आती है प्लैनिंग फॉर आउटिंग या प्लैनिंग द आउटिंग, बाहर घूम जाने की योजना बनाना. हूँ जो असी योजना बना ली, एक तो सुजैशन से सुजैशन च फ्रेंड एग्री हो गया, उस तो बाद आप प्लैनिंग करते हैं भी आप आउटिंग पर जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल असं पिकनिक पर जा रहे हैं तो असं की करा, जिमें इसने कहा गा भी मैं कैब बुक करूँगा तो तू फूड अरेंज करी. ठीक है, किसी दूसरे फ्रेंड को कहते तू प्लेट्स से ग्लासेस ले आई, किसी को कहते पानी की बॉटल ले आई, नैपकिनस ले आई, प्लास्टिक बैग्स ले आई. ठीक है, तो किसी को आपने कहते दो मैट्स ले आई, जा बेड कवर शीट ले आई, ग्रास से बिछाने ले. तो आप इदा दे मतलब प्लैनिंग्स करते हैं जो आप आउटिंग पर जाने. अगर आप मूवी पर जा रहे हैं तो उन्होंने कह सकते हैं भी तू मूवी की टिकट बुक कर ला, असी 6 बजे थिएटर के बाहर खड़े होवे. ठीक है, तो इस तरह के आप इस वाक यूज करते हैं. नैक्सट साढ़े को आते हैं इसकी अगर ग्रामर की गल करिए, इस लैसन असं यूज़ करा पढ़ना. पढ़ना आप इंग्लिश कहने प्रनाउंस, तो इस एज ए ग्रामर प्रनाउंस की रिविजन करा जी. इस प्रनाउंस की टाइप यूज़ करा वो हैगी रिफलैक्सिव प्रनाउंस. ठीक है, रिफलैक्सिव प्रनाउंस कि होंगे ने जिन्होंने असं मोस्टली सैल्फ या सैल्फ्स देखते हैं, वह होंगे ने रिफलैक्सिव प्रनाउन. अगे उन्होंने रिफलैक्सिव प्रनाउन दसिया होया भी आप कितने यूज़ करते हैं, ये आप 3 स्थानों पर यूज करते हैं. स्थान फस्ट, जदों करता ते कर्म इको जे हो, जदों साडा सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट सेम होंदा उदों असी रिफलैक्सिव प्रनाउन की वरतों करते हैं. जिमें इत्थे आई हर्ट माई सैल्फ, आई हर्ट माई सैल्फ, मैंने अपने आप नूं चोट पहुँचाई. तो हर्ट भी मैंने अपने आप नूं कीता ते चोट भी मैंने अपने आप नूं पहुँचाई. उमें द म्यूजिक ग्रुप कॉल्स दैम सैल्वस डायर स्ट्रेट्स, जो कोई म्यूजिक ग्रुप आ उन्होंने अपने ग्रुप का ना की रखा डायर स्ट्रेट्स. ही शॉट हिमसैल्फ, ठीक है, उसने अपने आप को शॉट किया या गोली लगाई, शूट या शॉट कुछ भी उन्हें अपने आप से ही अप्लाई की वो चीज़. अगे सैकेंड स्थान की आ, जो एक प्रेपोजिशन दे कर्म वजो, जो करता अते कर्म इको ही हो, एज ए प्रेपोजिशन जो आप यूज़ करते हैं उदो भी साढ़े सबजैक्ट के ऑब्जैक्ट सेम होंगे ने. जिमें आई अबाउट अ प्रेजेंट फॉर माई सैल्फ, मैंने अपने लिए, मैंने अपने लिए गिफ्ट खरीदया.
ओके शी डिड इट बाय हरसेल्फ उन्हें यह काम अपने आप किया इट मीन्स शी डिड इट अलोन द मैन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ वह व्यक्ति अपने आप नाल गल्लां कर रहा है तो वो की है पागल पागल ही होया ना फिर वो तो इस तरह के जोड़े उदाहरण होंदिया ने वह होंदिया ने अपन रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन दियाँ अगे तीसरा स्थान जदों करता उत्ते जोर देंदे हैं करता कौन है सबजैक्ट जदों सबजैक्ट नूं ज़्यादा प्रैशराइज करके आप शो करते हैं एम्फेसाइज करते हैं उदों आप रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन यूज कर दें जिवें उन्हें फस्ट किया आई डू इट माई सैल्फ यह काम मैं अपने आप करूँगी नो एल्स नो वन एल्स विल हैल्प मी मतलब कोई मेरी हैल्प ना करे उस तो बाद दे एट ऑल द फूड themselves ठीक है उन्होंने सारा फूड अपने आप ही खा लिया ठीक है तो इस दे विच भी वही एग्जाम्पल होगी नैक्सट हैगा अगर आप अभ्यास की गल करिए अपनी नोटबुक से भी करना गा अभ्यास दे विच की लिखा होया पड़नाव की गलत वरतों पहचानो अपने देखना भी जोड़ा प्रनाउन आ वो कितने गलत यूज होया तो ये आप प्रनाउन यूज कर रहे हैं रिफ्लैक्सी तो आप देखने मिताली एंड आई वेंट टू द कैफे टू बाय अस नो इतने आएगा आवर सेल्फ ये गलत है ठीक है उस तो बाद नैक्सट ते आ जाने इधर टिक लगा दें अपने इधर लग नहीं रही ठीक है उस तो बाद वैन आई सा मी तो इतने जोड़ा मी आ नहीं आएगा इतने आएगा माई सैल्फ वैन आई सा माई सैल्फ इन द मिरर डिड यू लर्न टाइपिंग योर सैल्फ ये सही है वट ही सॉ वॉज सो अनएक्सपैक्टड दैट ही पिंच्ड हिम सैल्फ नॉट हिम ता ए वाला की है गलत उस तो बाद प्लीज हेल्प योर सैल्फ सही है आई हर्ट माई सैल्फ आप एग्जाम्पल पहला कर चुके हैं आई एम बिजी कांट यू डू द वर्क योर सैल्फ ये भी ठीक है आई बॉट अ नाइस ड्रेस फॉर माई सैल्फ नॉट मी माई सैल्फ तो ये भी की है गलत है ठीक है अगे आप मूल्यांकन करांगे असैसमेंट असैसमेंट के असी सही पढ़ना की वरतों दसनी है तो जिमें एक्सैप्ट रूही एंड की आएगा मी और आई मैं लगता मोस्टली मी सोच रहे होंगे बट गलत है रूही एंड आई आएगा रवि वॉज वेरी हेल्पफुल टू अवर सेल्वस वी रियली इंजॉयड अवर सेल्वस हिज फ्रेंड डिड नॉट एप्रिशिएट हिमसेल्फ ओके प्लीज ब्रिंग सम कॉटन फॉर यूअर ईयर्स If you don't want to be bought by his, not him, his aega. Okay, as our driver had fever, naman and ki aega? I, not mine. First nali hai, related. One of you will have, your nahi aega, you will have. Subject dekho. We must reach the airport on time or else we will miss the flight. अस नहीं आएगा अस बिल जुड़ता भी नहीं है अद्धा सेंस दे क्या करोगे तो सेंस दे नाल ही पता लग जाता गा इट वॉज ही हू वॉन्टड टू गो टू द माउंटेन्स इंस्टेड ऑफ द बीच इट वॉज हिमसैल्फ हू तो इट वॉज हिमसैल्फ ही हू यू नो थोड़ा जहा लग रहा है नैक्सट लास्ट है अपने को टू ऑफ अ ग्रुप मैंबरस इनकलूडिंग हिम तो इनकलूडिंग ही नहीं आएगा इनकलूडिंग हिम तो ये 10 क्वेश्चंस ने फिलअप्स ने जो तुसी अपनी नोटबुक ते करनिया ने ठीक है आसानी ने एक बार तुसी रिवीजन करियो फिर अपने आप करन दी कोशिश करियो मुझवानी तो एक तुसी पढ़ना दी गलत वरतों नू पहचानो ये भी तुसी अपनी नोटबुक ते करना गा उस तो बाद तुसी
ਪਿਕਨਿਕ ਸੋਰੀ ਆਊਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਊਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਸੋ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।